सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उपायुक्त पलामू सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से आज हरियरगंज स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बिहार की ओर से झारखंड के पलामू में आने वाले आगंतुकों के प्रवेश को लेकर वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पदाधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियरगंज स्थित चेक पोस्ट पर उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त सीमावर्ती इलाकों व चेक पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारियों तथा पुलिस बलों से पूछताछ कर सुविधाओं व विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के कार्यों से अवगत हुए। उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि कोई भी बाहरी वाहन बिना ई पास के जिले के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। उपायुक्त ने दंडाधिकारी व पुलिस के जवानों को निर्देशित किया कि सभी कार्य पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ अपने प्रतिनियुक्त स्थानों पर कार्य करें एवं हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें ताकि दुरुस्त ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ अवैध और बिना वजह सड़कों पर घूम रहे वाहनों पर कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त द्वारा हरियरगंज स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के साथ छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनके गुप्ता, एसडीपीओ छतरपुर शंभू कुमार, हरियरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिशंकर बड़ाइक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने हरियरगंज प्रखंड कार्यालय का भी